हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गेस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी 28 तारीख को तीनों शिफ्ट के अंदर किस टाइप के सवाल आए हैं और आने वाले शिफ्ट के अंदर किस टाइप के आपके सवाल बन सकते हैं। अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो जरूर फायदा कर सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। गवर्नमेंट जॉब की पल अपडेट के लिए तो इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपके सेफ अटेम्प्ट जो है वो कितने रह रहे हैं और कितने एवरेज अटेम्प्ट कैंडिडेट जो है करके आ रहे हैं। तो ये मेरे पास तीनों शिफ्ट का जो है एनालिसिस लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, हाँ, लेकिन टॉपिक किस टॉपिक के अंदर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक के अंदर से इजी और किस टॉपिक के अंदर से लेंथी सवाल आ रहे हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो शिफ्ट 328 की उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट के जो टीचिंग का सेक्शन था वो काफ़ी ईजी था और उसके अंदर आपके ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग के जो सवाल थे वो एक थोड़ा मुश्किल था, बाकी इजी थे। और सीरीज के जो सवाल थे वो भी इजी थे, लेकिन एक सवाल जो था उसके अंदर थोड़ा सा आपका कैलकुलेटिव या फिर माइंड आपका लग सकता है। मिसिंग के अंदर और सीरीज के अंदर एक सवाल आपका था जो आपको टाइम टेकिंग लग सकता है। और फिगर काउंटिंग भी ईजी है। और अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर रीजनिंग के अंदर, एक कैलेंडर से भी सवाल आया था कि इस दिन मान लीजिए जनवरी की 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो आने वाले अगस्त की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ये सब आप इजीली बना सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी और आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं तो आप इजीली इस जो इस टाइप की रीजनिंग है उसको 12 से 13 मिनट के अंदर 25 सवाल आराम से कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के एनालिसिस के बारे में तो मैथ के अंदर CI और SI से 2 कंबाइंड सवाल थे। उसके अंदर 2 साल का डिफरेंस किया हुआ था एक के अंदर, और एक के अंदर CI और SI का डिफरेंस पूछा था। और प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल था, वो इस तरीके से था कि 10 कोई पेंसिल है उनको हम इतने में बेचते हैं और 20 पेंसिल को इतने में बेचते हैं तो कितने प्रकार का हो, कितना आपका प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। और एक सवाल था कि एक पिता की आयु अपने बेटे से इतनी है तो इतनी है, इस टाइप से। और टाइम एंड वर्क से आपका एक सवाल था इस टाइप से कि आप 2 जो पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं वो एक कार्य को 10 दिन में कर सकती हैं, तो इस टाइप से टाइम एंड वर्क का आपका सवाल था। स्पीड एंड टाइम का जो आपका सवाल था वो बहुत ही इजी था, उसके अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ स्पीड आपको दी हुई थी किलोमीटर पर आवर में और जो टाइम है वो आपको दिया हुआ था सेकंड्स में, तो आपको चेंज करके उसके अंदर दूरी निकालनी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर GK की तो GK जैसा कि उस शिफ्ट के अंदर आ रहा है एकदम उड़ा देने वाला, तो उसी प्रकार से इस बार भी आया है। आर्ट एंड कल्चर एंड अवार्ड से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और वो 2020 से आ रहे हैं, 2021 से आ रहे हैं और एक दो सवाल जो करंट के 2022 से भी आ रहे हैं। और केमिस्ट्री से, साइंस से, आपका फिजिक्स से इतने सवाल नहीं है, केमिस्ट्री से आपके बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। जैसे कि एक सवाल ये भी आया था कि कोई रिएक्शन था उसके अंदर तो सोडियम हमें किस तरीके से मिल सकता है, तो इस तरीके के आपके सवाल साइंस के अंदर आ रहे हैं। और अगर इंग्लिश की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर एक उनका एक्टिव पैसिव था, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था और लास्ट में क्रॉस टेस्ट था। और स्पेलिंग एरर के वही 2 से 4 जो क्वेश्चन है इस बार भी आए थे, एरर फाइंडिंग के लिए आया था, सूटेबल वर्ड जो फाइंड करके आपको सेंटेंस के अंदर चेक करने होते हैं वो उससे 1 या 2 सवाल आए थे। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज हो गया। सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ और रीजनिंग इसका सेम था। GK की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो GK के अंदर
वही आर्ट एंड कल्चर से भर भर के सवाल दे दिए हैं और केमिस्ट्री से भी बहुत सारे सवाल दे दिए हैं, और ये सवाल जो हैं आपने हो सकता है कि पढ़े भी ना हो, क्योंकि ये काफ़ी डीप नॉलेज के अंदर से किसी का टेम्परेचर पूछ लेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, स्केल पर केल्विन स्केल पर क्या होता है, रेडियन स्केल पर क्या होता है, ये सब आपसे पूछ सकता है। तो इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है कि उस टॉपिक से आ रहा है या इस टॉपिक से आ रहा है, आप सारे टॉपिक को कर लीजिए। लास्ट में मैं आपको एक सजेशन भी देने वाला हूँ कि अगर आपने जीके को नहीं पढ़ाया तो आप किस तरीके से इसके अंदर मार्क्स गेन कर सकते हैं और किस तरीके से आप इससे अच्छे स्कोर निकाल सकते हैं। इंग्लिश की अगर बात करता हूँ सेकेंड शिफ्ट के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर वही सेम प्रोसेस जो इन्होंने फॉलो किया, एक्टिव पैसिव के एक सवाल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक सवाल है, लास्ट में 21 से 25 सवाल जो है वो क्लोज टेस्ट के हैं, और स्पेलिंग एरर के सवाल है, एरर फाइंडिंग का सवाल है इसके अंदर, और सूटेबल वर्ड्स के इसके अंदर सवाल है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड शिफ्ट के अंदर, जो मैथ है वो थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, यानी कि थर्ड शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथ के लेवल थोड़े से मॉडरेट हो गए हैं। थोड़े से मॉडरेट का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर 2 से 3 सवाल जो है कैलकुलेटिव आ रहे थे, जैसे कि कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि वो पूरा पूरा नहीं कट रहा था, जैसे हम काटते हैं 2500 आ जाता है, 10000 आ जाता है, इस तरीके से आंसर नहीं आते उन 4 से 5 जो सवाल मैथ के अंदर है, उनके जो आंसर है वो भी इस तरीके से आएंगे आपके 26631, 26531, इस तरीके से आपके आंसर आ रहे हैं, तो आपको पूरा ही काटना पड़ेगा। ये 3 से 4 सवाल आपको हर शिफ्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन थर्ड शिफ्ट के अंदर जो है ये सवाल 6 के करीब हो गए थे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मॉडरेट बता रहे हैं। मेरी जो कैंडिडेट से बात हुई है, 2-3 कैंडिडेट से मैंने बात की है, जिनका एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में था और थर्ड शिफ्ट में था, तो उन्होंने मुझे जैसा भी बताया है मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका एग्जाम जो है आ रहा है, और आने वाले समय में जो एग्जाम आपका आएगा वो मैथ का लेवल हाँ थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, अपनी स्पीड को ज़्यादा से ज़्यादा मान के रख के चलना है, सवाल को आप जल्दी से जल्दी सोल्व कीजिए। रीजनिंग का लेवल जो है वो अब आने वाले जो शिफ्ट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि अभी 28 तारीख वाली शिफ्ट में पता नहीं फर्स्ट में या सेकंड शिफ्ट में एक सीटिंग अरेंजमेंट आया था, वो था तो 1 से 1.5 लाइन का, लेकिन उसके अंदर 6 कैंडिडेट थे और सारे जो हैं सेंटर की ओर देख रहे थे, तो इजीली वो बन गया था, तो हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में वो 1.5 लाइन की जगह 2.5 लाइन का हो जाए, या फिर थोड़ा कैलकुलेटिव या फिर माइंडली पिकिंग कर दिया जाए, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर चलिएगा। और अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ जीके से आप कैसे स्कोर ले सकते हैं। देखिए जीके का जो इस बार के जो क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, ये अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अवार्ड वगैरह ये आपको याद है, जनरली जो कैंडिडेट होते हैं इसके अंदर इनको क्लियरिटी नहीं होती कि कौन सा वो किसे मिला। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको सब क्लियरिटी है, तो आप इजीली इसमें नंबर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा डांस कहाँ कहाँ है, कौन सा डांस जो है किसके लिए फेमस है, और कौन से डांस में कौन सा व्यक्ति फेमस है, उसको पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप इसको स्किप कीजिए। ज़्यादा सवाल करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, ज़्यादा सवाल आप तभी कीजिएगा जब आपको सवाल आते हो, वरना आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा। आपने अगर 100 सवाल किए और आपके 40 सवाल गलत हो गए तो आपका वो कोई बेनिफिट नहीं है, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप 80-70-75 सवाल कीजिए, लेकिन आपकी उसमें एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, आप एग्जाम के अंदर तुक्के ना मारें, क्योंकि ये जीके का जो लेवल है ये तुक्के वाला नहीं है, आपके गलत ही होंगे 100%। जीके से आप इसके अंदर इस तरीके से उठा सकते हैं, जो आपको आता है आप करिए, तुक्के नाजायज ना मारिए, अगर आपको पता है उस बारे में तो टिक कीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए। और अंत में मैं अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करता हूँ, तो तीनों
तीनों चिप के अंदर जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहे हैं कैंडिडेट्स के, वो 70 से 80 के बीच में ही ज़्यादातर कैंडिडेट के अटेम्प्ट, किसी के 75 हैं, 78 हैं, 72 हैं, 74 हैं, 76 हैं, तो इसी प्रकार से जो है सभी कैंडिडेट के सेम अटेम्प्ट आ रहे हैं। अगर आपके इतने स्किप अटेम्प्ट हैं और आपकी एक्यूरेसी और आपने जो सवाल हैं वो 100% एक्यूरेसी के साथ एग्जाम में बनाए हैं, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने अगर ज़्यादा सवाल करने के चक्कर में 91, 95, 98 कर दिए और आपकी एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं आती है, तो आप एग्ज़ाम की चोट से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं। तो स्टूडेंट बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जो 29 की आपकी जो एग्ज़ाम होंगे तीनों शिफ्ट की जो आएगी वो शाम को मैं बनाऊँगा, क्योंकि दिन में मुझे सभी शिफ्ट से एनालिसिस लेने होते हैं और मैं उसे लिख के आपको शाम को बता दूंगा। तो शाम को आप मेरे साथ जुड़िएगा, 7 या 7:30 बजे मैं आपको वीडियो बना दूंगा, आप इजीली देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।